हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगी। मैं भी अच्छी हूँ। आज दांत में दर्द नहीं हो रहा है, देखते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे या नहीं। और मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैंने पहना है ये कुर्ता क्योंकि हमें जाना है मार्केट। जो मेरे हस्बैंड जी कोट लेके आए थे वो मैंने वापस कर दिया क्योंकि घर के काम में कोट वगैरह सेट नहीं होते, जाते कहीं बाहर है नहीं, तो मैं उसको मतलब जमा कराया ही। आज देखते हैं, या तो अब सोचते हैं कि मैं दूसरी कोट मतलब स्वेटर लेके आऊँ, तो सर्दी इतनी है नहीं, तो देखते हैं वहाँ जाके क्या। अगर हुआ तो डुगू का आए, या तो मैं कोई मतलब डुगू का सूट ला दूँगी या कुछ और चीज़ लेके आऊँगी, तो देखते हैं वहाँ जाके पता लगेगा। हाथ दर्द होने जाता है। तो बस अभी मैंने सारा घर का काम किया, कल मैंने कुछ काम नहीं किया था, तो आज जो भी कपड़े, अब कुछ धूप है, कुछ भी है, मतलब थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है, तो सारा घर मेरा क्लीन है। आज मैंने अच्छे से पोछे लगाए हैं, टॉयलेट बाथरूम सब धोया है मैंने, क्लीन किया है। कल मैंने कोई काम नहीं किया था। लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही यहाँ से। अच्छा, तो कल काम कुछ नहीं किया मैंने और आज मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह की और सब कुछ क्लीन है। और कपड़े मैंने धुले नहीं क्योंकि आज गुरुवार है, तो मैंने सोचा आज इतना ज़रूरी तो है नहीं, तो कल लगा दूंगी सुबह ही। और सर भी धुलना था बट कल ही धोएंगे, इतना गंदा भी नहीं है, वर्क हो काफ़ी दिन गए क्योंकि मैं झाड़ू वगैरह निकालती हूँ तब ढक लेती हूँ सर को, कि सर्दी में अब मतलब बार बार नहीं धुलता और फिर सूखते नहीं है, मेरे बाल लंबे हैं ना। और थ्रेडिंग भी करवा के आऊँगी, आज देखूँगी मैं, बहुत गंदी लग रही है मेरे को थ्रेडिंग। और मतलब पार्लर जाऊँगी मार्केट के वहीं। और चावल मेरे यहाँ सिटी आ चुकी है, अभी इनका वेट कर रही हूँ क्योंकि आज मन कर रहा था दही वाले चावल बढ़िया खाएं, मतलब ऐसे नमकीन बनाए हैं दही के साथ खाऊंगी। तो मैं मेरी प्लेयर निकाल दूंगी, फिर मुझे शॉप पे बैठना है, फिर हसबैंड जी नहाएंगे और मैं फिर ये नहा लेंगे और खाना खा लेंगे, और इतनी देर तक मैं शॉप पे मुझे बैठना पड़ेगा और उसके बाद ये खाना वगैरह खा के नहा के नीचे शॉप पे आ जाएंगे, तो मैं जाऊंगी मार्केट। तो देखते हैं। और अगर संक्रांति भी आ रही है तो आपके किसके रीति रिवाज, मतलब रीति रिवाज तो नहीं कह सकते कि दान पुण्य कहते हैं करवा चौथ को, कि संक्रांत आती है तो हमारे 13 चीज़ें बांटते हैं, तो वो क्या क्या मैं बांटूंगी वो मुझे नहीं पता अभी तक, तो देखते हैं कि क्या क्या करेंगे। और बस वीडियो मैंने 3-4 दिनों से, आज मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, मैंने एक एडिट किया हुआ है उसको पब्लिक करूँगी 2-3 दिनों का, वो छोटे 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 क्लिप मैंने उसको एडिट किया था रात को, मैं कल सुबह ही पब्लिक कर दूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, फटाफट से बढ़ा दो सब्सक्राइबर। और बहुत पीछे चल रही हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, टाइम निकालती हूँ, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो देखो तो। और बस खा लेती हूँ, सिटी निकाल लेती हूँ। चावल मेरी बनके रेडी है और मैंने डाला है थोड़ा सा सॉस और यमी से चावल फिनिश करते हैं, चलो। और आप भी लंच कर लीजिए। तो हेलो, और अभी मैं पी रही हूँ चाय और कल मैंने बनाया था हलवा, तो थोड़ा सा वो खा रही हूँ। और मैं थ्रेडिंग करवा आई हूँ, तो आई थिंक मेरे को ये ज़्यादा पतली लग रही है, ये मोटी जल्दी में ऐसे ही हुआ, कुछ तो फ़र्क लग रहा है मेरे को। और मार्केट जाके आई थी और डुबू के लिए कपड़े ले आई, मैं मेरे लिए कोट स्वेटर कुछ नहीं लाई क्योंकि अब सर्दी जा चुकी है, आगे क्या अब तक क्या फैशन आएगा। तो एक मैं चीज़ हमारे यहाँ जैसे तोल का कपड़ा होता है वो मैंने एक नाइट सूट टाइप बनवा लिया, तो वो वैसे मैंने ले दिया, सही बताऊँ वो सिलवाने के लिए दे दिया, तो वो 2-3 दिन में सिल देंगे। और डुगू का वो सूट ले आई हूँ, पैंट लेके आई हूँ, जींस लेके आई, दिखाऊँगी मैं आपको। और इनके लिए लेके आई हूँ इनर, इन्होंने कहा था एक इनर ले आना, तो वो लेके आई हूँ। और अभी पी रही हूँ चाय, काम सारा पड़ा है, खाना बनाना है, तो फटाफट से मैं चाय पीऊँगी। और डुगू सुबह मैंने चावल बनाए थे उसको गर्म करके दिए, उसको कह रहा था भूख लगी है, तो वो और मैं चाय के साथ थोड़ा हलवा खाती हूँ, थोड़ी भूख लगी है तो खा लेते हैं। और आज मेरे दांत में दर्द नहीं हुआ, तो देखते हैं क्या पता सही हो जाए, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो सारा काम फिनिश कर लिया, बेटा आवाज़ कम करो, तो सारा काम फिनिश कर लिया है और अब पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय।
और सबको दूध वगैरह दे दिया है। हस्बैंड जी इस टाइम चाय पीते हैं वो, तो उनका दूध मैंने ला के रख दिया क्योंकि वो फिर बाद में आके पियेंगे। और मैं मार्केट से लेके आई हूँ एक ये, और कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और अच्छा सुंदर भी लग रहा है। और ये मेरे पास मतलब पेंडल पड़ा है एक उसके, लेकिन ये चेन ख़राब हो गई तो वो ले रही थी, फिर मैंने सोचा एक दे ही दो। फिर मैं ये 120 का लेके आई थी, हाँ 120 का लेके आई थी। डुगो कपड़े देना, और डुगो के लिए ले आई हूँ मैं कपड़े। और ये गिलास उधर रखो, रात की तरह दूध गिर जाएगा। उधर है वो रहा मेज पे। और डुगू का सूट ले आई हूँ अच्छा सा, और मतलब अब ट्यूशन ट्यूशन लगा दिया है डुगू को कल से, तो ये अपना साइकिल पे ट्यूशन चला जाता है। तो डुगू के लिए, इसके पापा के लिए लेके आई हूँ मैं एक इनर, और ये देखिए नॉर्मली इनर। और डुगू के लिए लेके आई हूँ मैं ये रेड वाली, रेड टी शर्ट है और ब्लैक पैंट है। और मैं रबड़ वाली लेके आई हूँ क्योंकि फिर बच्चे को आराम से, ये पैंट है तो रबड़ वाली लेके आई हूँ जिसे आसानी से बच्चे पहन सके, बेल्ट वगैरह का झंझट ना हो, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे से ये वैसे पजामे की तरह बंद है तो बढ़िया है ये पैंट। और ये ले आई हूँ मैं, तो डुगू अब ट्यूशन जाता है तो बच्चा आराम से जींस वगैरह, क्योंकि ये साइकिल पे जाता है डर तो लगता है बट क्या करें, धीरे धीरे सीख जाएगा। डुगू उधर रखो, गिर जाएंगे कपड़े। तो बस अब गर्मा गर्म पी लेती हूँ चाय, पूरा काम फिनिश कर लिया, बैठ जाती हूँ बैठ जाती हूँ। लेकिन अभी मैंने लगातार फटाफट से काम किया है, तो फिर लगातार फटाफट से काम कर लिया तो फटाफट से हो गया। और मैंने उधर लगा दी है मशीन, तो कपड़े मेरे धुलते रहेंगे और सुबह मेरे को तार पे डालने सुखाने ही होंगे। तो अभी मेरी मशीन में कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं, और थ्रेडिंग करने के बाद चेहरा अच्छा दिखने लग जाता है अपना। और बस अब सुबह से उठे हुए अब बिस्तर में आए हैं, सर थोड़ा दर्द हो रहा है, जब भी मैं मार्केट चली जाती हूँ तो दर्द होने लग जाता है मेरा। तो बस, और वीडियो आपको अच्छा लगता होगा मेरा, तो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। इतनी मेहनत से टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ मैं, और जाड़ में आ दर्द टच उट नहीं हुआ, भगवान से दुआ करती हूँ कि ना ही हो। आज वैसे सही है मेरी तो नहीं दर्द हुई, फ़ायदा आ जाए बस ना दर्द हो, मुझे नहीं जाना पड़े डॉक्टर के पास, क्योंकि दांत का एक मुंह का काम बहुत गंदा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं मेरी थ्रेडिंग ये वाली काली लग रही है, ये ब्राउन ब्राउन लग रही है, ऐसा क्यों? पर एक आईब्रे में होता ही है फ़र्क। और बाकी ठंड, शाम से ठंड होने लगी है, वैसे ठंड हो गई थी वैसे इतनी नहीं थी। और बस मैं चाय पी लेती हूँ, मिलती हूँ सुबह सुबह, इस वीडियो का एंड करेंगे ठीक है? ओके गुड नाइट, सी ड्रीम, एंड सुबह मिलते हैं एक अच्छे से दिन के साथ, तब तक के लिए बाय। हे गाइस गुड मॉर्निंग, नहीं है और 4 बज रहे हैं और मैं अभी फारिग हुई हूँ क्योंकि 12 बजे तक धूप नहीं निकली थी, और अब धूप 12 बजे धूप निकली थी। और अभी मैंने सारा काम फिनिश कर लिया और बाल धोए हैं मैंने और कंघी करके, मतलब काफ़ी देर हो गई, अभी बाल बनाए हैं मैंने। और अब नीचे आग जलाते हैं और हाथ सेकेंगे थोड़ी देर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, हवा चल रही है, इतने मेरे बाल भी सूख जाएंगे और मेरे मुंह से अच्छा लग रहा है। और आज मैंने फेस के लिए भी टाइम निकाला था, थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा लगाया था टमाटर का जूस, तो अपने शरीर के लिए भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो रेड कलर का सूट, सारी क्लीनिंग हो चुकी है और चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं आपसे। हे गाइस हेलो, कैसे हो आप सब? और हमारा काम फिनिश हो चुका है, चाय पी ली है,
और दूध नहीं पिया जाता, क्या करें, चाय पी ली थोड़ी सी। और डुगू को होमवर्क करवा रही हूँ, थोड़ा बता दिया, बाकी मेरा डुगू कर लेता है, गुड बॉय। डुगू ने नए कपड़े पहने हैं आज, तो डुगू लग रहा है स्मार्ट। हेलो करो, हेलो इधर देख के करो। हेलो तो डुगू होमवर्क कर रहा है अपना, और मैंने अभी काम वगैरह, अब बैठी नहीं मैं, फटाफट से सारा काम किया था। और आज मैंने पेंसिल भी लगाई थी ब्राउन कलर की, तो सर पे मैंने बांध रखा है क्योंकि सर धुला था मैंने, तो ठंडी लगती है फिर। तो अभी सब काम फिनिश करके अब बिस्तर में आए हैं, और बस आज का दिन ऐसे ही बिजी सा चला गया। और बाकी डुगु अब साइकिल पे अकेला चला जाता है अपना, ट्यूशन खुद आ भी जाता है, तो टेंशन नहीं होती। थोड़ा डर लगता है क्योंकि हमारे यहाँ मेन रोड है तो करके, बाकी डुगु अब सीख गया है चलाना, तो कोई दिक्कत नहीं है, और धीरे धीरे सीख जाएगा डुगु। और बाकी इसको एक हमारे घर के पीछे एक रास्ता है, तो वहाँ से मतलब गाड़ियाँ वगैरह कम जाती है, तो इसको बताया था पर भूल गया। एक दो बार इसके साथ जाऊँगी ना तो ये सीख जाएगा, तो इस बहाने मेरी भी थोड़ी वर्कआउट हो जाएगी शाम की। तो देखती हूँ वो रास्ता सही है क्योंकि वहाँ इतना रश वगैरह नहीं है, क्योंकि ये मेन रोड है, इसमें गाड़ियाँ वगैरह, ट्रैफिक शाम को डर लगता है, ट्रैफिक 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 बहुत है, तो मेरे को बता रहा है ट्रैफिक तो यहाँ पे, ट्रैफिक मेन रोड पे बहुत ज़्यादा, तो शाम को तो इतना ज़्यादा है। जब भी ट्यूशन जाता है 4 बजे तो उतना तब तो नहीं होता, लेकिन शाम को 6 बजे फिर इतने बड़े बड़े ट्रक, डर लगता है भगवान जी। बाकी तो भगवान ही है सब कुछ करने वाला जो भी। बाकी चलो ठीक है, 2 घंटे इसका बिजी रूटीन हो गया, और अभी देखते हैं। स्कूल का तो कुछ कह नहीं सकते अब, वो ब्लड फ्लू क्या वो और नया क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, कहीं 2021 2020 से भी भयानक ना आ जाए। बहुत क्या कुछ हो रहा है। बाकी ये नॉन वेज वगैरह की मैं तो कहती हूँ ये सब बंद हो जाए, तो क्या बताइए, क्योंकि इससे ही हर चीज़ें फैल रही है, तो ये बंद आई थिंक हो जाना चाहिए। क्या बता, इससे बीमारियाँ कम हो जाएगी, कम क्या ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें खाते हैं नॉन वेज, तो करके बंद हो जानी चाहिए। बट जिनके लिए मैं खाते हैं उनको मैं ऐसे नहीं कह रही, लेकिन अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में हमें देखो, और कितना कुछ हो रहा है दुनिया में, तो भगवान ने खाना बनाया है वो खाओ, जानवरों को कितना मतलब फैल रहा है, तो उसके बारे में सब सोचो, सब साथ मिलकर चलोगे तो मतलब बचा जा सकता है। तो बस यही है, बाकी धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है, पक्षियों की बारी आ चुकी है अब, तो उनके लिए बुरा लग रहा है बेचारों के लिए, एक अच्छा भी कि इस वजह से सब बंद हो जाएगा, बट जो होगा वो मोदी जी करेंगे, क्या कुछ होगा। बट बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।